जंगल में मंगल तू करे प्रभ संतों के न्याय का। अवगण हारे की बेनती सुनो गरीब निवाज के हम और पिता चार गवाया हंड के चार गवाया सम्म लेखर बमगतिया फरीदा नुआयों के काम। ओहो जप ले अपने सतगुरु का नाम कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभिमान बंदे क्यों करता है बंदे काल गुरु से पीना
जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त देखो उसके इर्द गिर्द जेर हुआ करती है। उस जेर को हम खड्डों में दबाते हैं ताकि कोई कुत्ता दुनू न आ जाए। वो एक जहरीली चीज है जिसको खाकर वो पागल हो जाता है। वो पागल होगा किसी और को भी काटेगा। इस जहरीली चीज में हम लिपटे रहे हैं। सोच लो जिसको हम खड्डों में दबाते हैं इसमें लिपटे रहे हैं और उसमें कारखाना कैसा है जैसे ये लव फिक्र है। ये कैसे बना? पहले लोहा लिया गया, लोहे को भट्टियों में गर्म किया गया, पानी जैसा बनाया गया, सांचों में डाला गया, सांचों से निकाल कर उन पुर्जों को साफ किया गया, साफ करके फिर पॉलिश किया गया, फिर उनको जोड़ा गया। अब इसको इधर हिला लो, इधर हिला लो, इधर हिला लो, इधर हिला लो। ये नकल है, ये बार का कारखाना है। इसी तरह असल चीज, असल कारखाना माँ के पेट में है। जैसे इसको आग में तपाया गया, इसी तरह अंदर भी तपाया जाता है। वहां जठराग्र का ताव है, वहां भी हड्डियां बनती हैं। अब इन हड्डियों को जोड़ा जाता है, अब इनको यूं हिला लो, गर्दन को हिला लो, टांग को हिला लो। इसी तरह ये कारखाना है। ये बाहर नकल है, अंदर असल है। उस वक्त सख्त तकलीफ में होता है। उस वक्त मालिक के आगे, सदगुरु के आगे पुकारता है क्योंकि दुख में है। यहां भी जब मुसीबत पड़ती है तो मालिक याद आता है ना। बस इसी तरह वहां इसके सामने जितने इसने कर्म किए हैं उनकी फाइल उसके सामने है। उस वक्त पुकारता है कि मालिक ऐ सतगुर अब मुझे बचा ले, मुझे माफ कर, मैं दुनिया में जाकर तेरा नाम जपूंगा, मैं वहां जाकर तेरा नाम जपूंगा, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करूंगा। सोचो जिस सतगुरु के आगे, जिस मालिक के आगे इसने पुकार की वो कौन सा सतगुरु था? अब तो बाहर गुरु बन गया है, वो कौन सा गुरु था? बोलो, उसको भूल गए ना। वो अपना है, वो अपना सतगुरु है, एक ही सतगुरु है, एक ही सतगुरु है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही सूप सब एक जोत जानो, कि एक ही गुरु है जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। कौन सा? शब्द गुरु या राम गुरु कह लो। राम कहते हैं रमेतस्तु रामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी हुई है उसको कहते हैं राम। वो शब्द रूप में जर्रे जर्रे में रमी हुई है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। अगर गुरु नानक साहब से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है तो उन्होंने फरमाया तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरगुण चेला। अगर तुलसी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा सुरत शिष्य शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख काश ऊंडा कुआं तामे सुर समाना हो। तुलसी साहब से पूछा गया उन्होंने फरमाया शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर मटमार। वो क्रम की ताकत है, उसी को हम जिंदा राम कहते हैं, हाजिर नाजिर जिंदा राम कहते हैं। हजूर नाजिर का क्या मतलब है? जो किसी की हजूरी में रहे,
जो किसी की हजूरी में रहे साथ रहे जिंदा, वो ताकत जो मन ने जुमने से परे अपना के डरे से परे है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा है, आज सच जुगा सच हैप्पी सच नानक सिर सच हमेशा कहें। राम रमी हुई सबके साथ, गुरु नानक साहब कंधार गए, वहां मुसलमान पीर मिला यार अली। उन्होंने पूछा, पीरे शिमा कदम वास्त तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने फरमाया, पीरे माँ जिंदा पीर वास्त मेरा गुरु जिंदा गुरु है। उनका जिंदा गुरु? कहने लगे हाँ, कि मुझे तो जिंदा पे इतवार नहीं, जिंदा गुरु पे। उनका क्यों? कि जो पैदा हुआ है उसने जरूर मरना है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया, या खुदा की रस दैन जिंदा, कि खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, को लालम मरीद है, सारा आलम उसका मरीद है। फिर फरमाया, बुजुर्ग खुदा तीरे दिगत खुदा मत, खुदा के अलावा कौन गुरु हो सकता है? वो गुरु सब रचना करने वाला है, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश, उसी को सैनी ने वर्ड कहा है, मुसलमान कलमा कहा है, कलाम इलाही का है, बांग आसमान का है, वो एक आवाज है कुदरती मालिक। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे समाए। गुरान साहब कहते हैं, सतगुर मेरा दे महताज, सतगुर मेरा सच्चा सास, कि जो मेरा गुरु है जो मेरा सतगुर है वो बेमोहताज है, किसी का मोहताज नहीं। बाहर वाले गुरु तो मोहताज हैं, लाओ 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 लगी पड़ी है, वो बेमोहताज है, वो सबके बनाने वाला है, जो सबके बनाने वाला है वो वो किसी का मोहताज कैसे हो? बोलो सोच लो, कैसे बेमोहताज है? ये किसी ने फूल बनाया? सोचो, किसी ने फूल बनाया? किसी ने तो तार बनाई, किसी ने ये प्लास्टिक के ये धागे से बनाए, किसी ने रंग बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ, किसी ने ये सुकोना, ये अंदर बैठे काम कर रहा है, अंदर बैठा ही काम कर रहा है। पीला रंग अंदर से लाया, इसको तो जरूरत पड़ी ना लाल आने की, अंदर से लाया, हरा अंदर से लाया, सोच लो, इसी कटिंग भी अंदर से की, कोई हथियार है? सोच लो, ये बेमहताज है, इसमें और इसमें कितना फर्क है? इसमें कोई खुशबू नहीं, इसमें खुशबू भी है, ये और चीज है, ये और चीज है, देख लो, ऐसा बन सकता है? सोच लो, ये है सतगुर, ये मौत के वक्त काम देने वाला यही है। जब मौत आई, किसी को राम कह लो, किसी को सतगुरु कह लो, ये रमी हुई ताकत ही काम देने वाली है, इसके अंदर है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम वसता है सच होता है, पिछाण वो रमी हुई ताकत, वो सत ताकत है। उस सत ताकत को पकड़े, उस सत ताकत को अंदर प्रकट करे, वो काम देने वाली है। मौत के वक्त जब मौत आती है, तो जब जमदूत आत्मा को पकड़ते हैं, ये रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है कि है मार दिया, है काट दिया, हम पास बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? बोलो, सोच लो, उस वक्त मंदिर बाहर, गुरुद्वारे बाहर, तीर्थ बाहर, मस्जिदें बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन चिढ़ाए उस वक्त? बोलो, आत्मा अंदर जिस पे मुसीबत है वो भी दिखाई नहीं देती, जमदूत अंदर जो उसको पीटते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, छुड़ाने वाला सतगुरु भी इसके अंदर है। उसको हम सब भूले बैठे हैं, उसका नाम तो किसी ने ना जपा, उसको तो किसी ने खुश ना किया, सोच लो, उसको तो खुश किसी ने ना किया। बाहर मंदिरों में गए, पुजारियों को खुश किया, गुरुद्वारा में गए, भाइयों को खुश किया, मुसीबतों में गए, मौलवियों को खुश किया, तीर्थों में गए, उनको खुश किया, बाहर वाले खुश, गुरुओं को खुश किया, अफसरों को खुश किया, माँ बाप बहन भाई को खुश किया, उसको तो ना खुश किया, कौन छिड़ाया उस वक्त? बोलो, सोच लो, बाहर वाले बाहर मदद दे देंगे,
अब अंदर कौन मदद दे, उसको सब भूले बैठे हैं। सोच लो, जब अंदर माँ के पेट में तो उसको पुकारता था, वो कौन सा राम था, कौन सा गुरु था, उसको तो छोड़ बैठे। ये गुरु है मुक्ति का दाता, ये दाता है, मंगता नहीं, जो सबको सबके अंदर है, सब रचना करने वाला है। वो कैसे मंगता हुआ, बोलो। ये दाता है, ये सब काम करने वाला है, बाकी कोई नहीं। फिर बोल भाई। हाँ, तुलसी साहब पास एक प्रेमी आया। बात चलते चलते उसने कहा कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। बच्चों का कम मन बहुत है। हाँ, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। वेदों शास्त्रों में भी ऐसे लिखा है। अब उसका जवाब देते हैं हमको। सुनो भाई, सुनो, कीमती बात है। हाँ, 2 साल के बाद हम आए हैं, मुश्किल से टाइम मिलता है, ऐसे वक्त खराब ना करो। ये फिर टाइम नहीं मिलता, पता नहीं मिले या ना मिले, कब मिले। हाँ, तुलसी करे के साथ बखाना, अस अस वेद पुराण न जाना। तुलसी करे के साथ बखाना, अस अस वेद पुराण न जाना। ए तुम काता सत पर भावा, वेद पुराण एही वेद दावा। पुन संतनी कछु और बखाना, सतगुरु मता फेन कर जाना। जगति गुरु कंठी गए बांदा, ताको गुरु कहो कुन सादा। यही महात्मा चरणदास ने लिखा है, कन फूका गुर जगत का राम लाभ नौर, सो सतगुर को जानिए मुख दिखावन ठाकुर। गलियारे गुर फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रिव्य कमावन हेत। कंठी दे गुरु बन गया, रखो मत्था टेको। गुरु जग सोई, मुक्ति गुरु कोई और होई। ए तो गुरु जगत जो भारी, इनसे न मुक्ति
बेटी होए बिचारी करी मुजात देगी गुरु करे कर्म भोग इनते नहीं करे गुरु है आप कर्म के माई चेला को कहते मुक्ताई या तो अच्छे कर्म में डाल देंगे वो या तीर्थ व्रत में डाल देंगे या कोई और साधन में डाल देंगे। जितने अच्छे कर्म है अच्छे बुरे दोनों बंधन है, दोनों ही हथकड़ी है। कृष्ण भगवान ने लिखा एक सोने की समझ लो एक लोहे की समझ लो, कर्मों के चक्कर से वो भी ना निकले वो भी ना निकले। मुक्ति का एक ही गुरु है बस वो शब्द गुरु जिसने सब रचना की है। जितने बाकी के काम है उन दान जप तप वगैरह ये काल ने बनाए हैं, ये त्रिलोकी तक काम देते हैं। अच्छे कर्मों का नतीजा क्या है? अच्छी जून, ज्यादा ज्यादा सुर्ख। जब अच्छे कर्मों का फल भोगा उसके सुर्गों का सुर्गों में से उसका दरा खत्म हो गया, फिर 84 तैयार है। ये भगवान कृष्ण ने लिखा है हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, कई दफा स्वर्गों का राजा इंद्र बना, आज ये कीड़ा है। सोच लो कर्मों का जाल ये है। गुरु की करनी गुरु सोई पावे चेला आप कर्म भुगतावे जगती गुरु जिन पार न पावे वो गुरु संत और गोहराम कन फूका गुरु नहीं कहाई गुरु दयाल की ओर राई वेद आल गुरु समर्थ दाता जग को जाल पारी के करता गुरु है सभी दिसुरती गए जेला जीने गुरु का लक्ष गिरी धरती से निकला है जिसका मतलब ही शब्द है। सतगुरु का मतलब सत शब्द जो त्रिलोकी के पार है। बाहर कैसे बने, बाहर गुरु कैसे बने? जैसे किसी ने डॉक्टरी की, कीमती बात है अगर ना ख्याल करो भाई, अगर कोई बोले हाथ बांध दो पास बैठे को बस इतना काफी है, तू बोल पा। किसी ने डॉक्टरी की उसको हम डॉक्टर कहने लग जाते हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की उसको हम इंजीनियर कहने लग जाते हैं, है तो वो हमारे जैसा ही। उस इल्म का नाम डॉक्टर है, उस इल्म का नाम इंजीनियर है। इसी तरह जहां जिस बॉडी के अंदर वो शब्द गुरु प्रकट होता था उसको गुरु कहते थे। बाद में नकलें चल पड़ी, इतने गुरु हो गए कि इतने चेले ने। जब मालिक ने देखा कि दुनिया की ये हालत हो गई है, दुनिया को खराब कर छोड़ा है गुरुओं ने, तो यहां सच्चे सौदे ने हुक्म दिया किस बात को खोलो, इस बात को खोलो जो असली गुरु को तो छुड़ा ही दिया है ना, एक ही गुरु जो असली गुरु को तो छुड़ा ही दिया। आप बन बैठे, जब आप बन बैठे सोचो
जो आप बन बैठा वह है क्या? वो अहंकार में भर गया। जहाँ अहंकार है वहाँ मालिक नहीं। यही एक और को तुलसी साहब ने कहा है, रेती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में रब रहा एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना सो सो पड़े नरक की खाना। एक बोल सब माही बराजा, गुरु चेला द्वैत साजा। दो बन गए जहां दुई है दो है वहां मालिक कहां? चेला हो नीक विद भाई, गुरु हो चौरासी जाई। के चेले का तो फिर भी छुटकारा है, नीचा तो हुआ अहंकार तो ना हुआ, निम्रता तो आई, गुरु तो अहंकार में भर गया। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं जो हमको परमेश्वर उचरा है सो नरक कुंड में पर है। जो अपने आप को परमेश्वर गुरु कहता है वो नरकों में जाता है। मोको दास पवन का जानो या मैं भेद न रंग पहचानो, मैं तो उसका दास हूं। जिनके अंदर ताकत आई है वो कहते हैं हम दास हैं। कहो नानक हम नीच क्रमा मुसाजी फुरा करते थे, हम हैं सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले है? दूसरे कहते हम हैं गुरु। बोलो सोचो अहंकार में भरे पड़े हैं, उनके अंदर अति निम्रता है। कोई क्लर्क बैठा है, है? कोई क्लर्क बैठा है या छोटा अफसर है, बड़ा सिर पर है। जब बड़ा सिर पर है तो कोई कह सकता है छोटा कि मैं ये काम कर दूंगा? बोलो भाई कह सकता है? उसको डर है। जिसके अंदर सतगुरु है वो कैसे कह सकता है मैं कुछ कर सकता हूं मैं कुछ हूं? बोलो उसको डर हर वक्त। जिसने कहा मैं कुछ कर सकता हूं बस खत्म। जहां जरा सी भू भी है मैं की वह मालिक नहीं आता। जब ये मन में कर्त गबाना तब ये बावर फिरत बगाना, जब ये हुआ सगल की रेणा ताते रमिया घट घट पीना। तुलसी साहब ने यहां तक लिखा है तुलसी तू मैं जो तजे भजे दीनगत होए, गुरु निवे जो शिष्य को साध कहावे सोए। जिसके अंदर सदगुरु आया फिर भी वो निम्रता रखता है उसके। बोलो कहते वो साधु है। हाँ पढ़ भाई। हाँ गुरु गुरु है सब सूरत भेजे जीने गुरु चला सुने वे गुरु स्वामी अगम अपारा। वो वह गुरु स्वामी सबका मालिक है अगम अपारा है? मन बुद्धि की गमता से परे है, अपार है, ऊंचे से ऊंचा है। सोच लो गुरा साहब लिखते पार ब्रह्म गुर रहा समाय, ब्रह्म देश के पार है। वह गुरु स्वामी अगम अपारा पिंड प्रहिमंड दऊ से न्यारा। बोलो भाई पिंड ब्रह्मांड दऊ से न्यारा, उनसे परे है। हाँ हाँ जी ताके रूप रेख नहीं काया वे गुरु मिले तो सोच लो वो गुरु मिले तब मुक्ति मिलेगी। सोच लो वो गुरु है मुक्ति का दाता। हाँ ये तो गुरु कर्म की लारी आप न करे और कहां तारी। इन गुरुओं को मरते तो देखो क्या हाल होता है। जो बाहर वाले हैं जो गुरु बने फिरते हैं उनको मौत के वक्त देखो तो सही क्या हाल है उनका। हाँ हाँ जी ये जानो जो हारी नाता देन देन पैसे के पाता
हाँ तो खान पान के लाते मांगे गर्भवास कर दे दागे। हाँ खान पान चेले से मांगे, अब ले तो लिया खा लिया, अब देना पड़ेगा जिसका लिया से, राम का माल तो नहीं, फिर क्या होगा। गुरुनानक साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक ऊंट पड़ा था, उसके सिर में कीड़े थे, खा रहे थे। प्रेमी ने पूछा के जी क्या है, क्यों तकलीफ है। कहने लगे भाई ये था गुरु, ये थे इसके चेले, ये थे चेले, कल ये लूट लूट कर खा रहा था, आज ये पट पट कर खा रहे हैं, हमारे सामने की बात है। हम वहां डेरा है गदराने में, वहां थे एक प्रेमी के घर में भैंस के सिर में कीड़े पड़े हुए, तो उन्होंने बड़ा इलाज कराया, कोई इलाज ना हो। आखिर डॉक्टर ने यह कह दिया, डॉक्टर ने ही फैसला दिया कि इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि बंदूक गोली से उड़ा दो। उसका भाई बंदूक वाले को लाया, उसके दिल में कुदरती ख्याल आ गया, कहने लगा हम मस्तानी से तो पूछ लें, हम वहां थे उस वक्त डेरा है वहां। वो आया मस्तानी जी से अर्ज की, मस्तानी जी ने फरमाया ये सब लेने देने के संबंध से हैं, अब तुम मार दोगे तो उसका पाप कौन उठाएगा, उसके कर्म कौन उठाएगा, उन्हें तो जाना लेना है। कहने लगे फिर क्या करें, ऐसा ख्याल आ गया, कहने लगे अच्छा भी देखेंगे किसी दिन। एक दिन हम बाहर गए, मिसान जी ने फरमाया मैंने चल देखें तो सही। हम वहां गए, जब वहां गए तो उस तरफ महज की तरफ देखकर मिसान जी कहने लगे क्यों। हमने पूछा जी क्या बात है ये, कहने लगे ये थी साधनी, ये थी साधनी, वहां से माल ले लेकर इनका लूट लूट कर खा ले थे तल तल करके। हमने इसको पहले बोला उस वक्त हमें मिली कि ये काम ना कर, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, ये ना मानी, अब ये कीड़े बन के खा रहे हैं। फिर उसको कोई रहम आ गया, उसको कोई चीज ऐसी दी, उन्होंने खाई, रात को चूल्हा छोड़ दिया। ये हाल है, देना पड़ता है। हाँ ये तुलसी साहब का वचन सुनो क्या कहते हैं, खान पान के लाते मांगे। गुरु नानक साहब ने आकर क्या कहा, क्या कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, प्राय माल ना खाओ, काल खाए कुछ हथों दे नानक राह पछाने से, हक लाल की कमाई करो खाओ। साधुओं को कहा अगर भजन करना है हक लाल की कमाई से करो, समझे। तो उनको कहा, क्या कहा श्रीत वालों ने, इन्होंने गुरुओं ने कि कुरैया है। और कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उसको क्या कहा कि जिला उल्टा ज्ञान खिला रहा है। सोच लो, सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई नहीं माने नर नारी, जगत कहे जिलाह ज्ञानी हर हर का कुछ भेद न जानी। सोच लो, पलटू साहब को जिंदा जला दिया उन्होंने श्रीत वालों ने, उन्होंने क्या कहा तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। सोच लो उन्होंने क्या गुनाह किया, बोलो उनके भले की बात कही, वो खिलाफ रहे उनके, उन्होंने उन पर इल्जाम लगाए। हाँ खान पान के लाते मांगे गर्भवास कर दे लागे, केला जान जाए सोने पुन पुन तारे भोग कर दे, पुत्र बैल घोड़ा कोई ऊंटा सोवे
या उसका बेटा बनेगा या बैल बनेगा या ऊंट बनेगा, जाना देना पड़ेगा, सोच लो। हाँ पूर्ण तत्व के वचन है। हाँ जी, ये गुरु ले न देना दोहारा, गुरु चेला भोकर पसारा। ये मेरिट का सौदा है, जो अंदर जाएगा अंदर खोज करेगा उसको गुरु मिलेगा, वो मुक्ति का दाता है। संतों ने उस गुरु को देखा है, वो कहते तुम्हारे अंदर भी है। वो शब्द गुरु क्या है? वो कुदरती एक आवाज है, रेडियो वेव्स की तरह सारे, जिसको मुसलमानों ने साउथ कहा है, साउथ कहते हैं आवाज को, कलमा का है, कलाम अलाही का है, बांगे आसमानी का है, ईसाई ने वर्ड का है। यहाँ रेडियो की आवाजें हैं ना, कलकत्ते की, बंबई की, सब हैं, लेकिन आप सुन नहीं सकते। जब रेडियो में स्विच लगाते हैं तो सुन लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वो मालिक की आवाज सब जगह है, उसके सुनने का जरिए इसके अंदर है। ये संतों के जरिए सीखे, अंदर जाए, उस आवाज को सुने, वो इसके घर का रास्ता है, उसी रास्ते है, उसी रास्ते से जाना है। शब्द मिले तहर मिले सेवा संस्था है, ये कबीर साहब ने कहा है। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कहे कबीर तां देखिए बैठा पुरुषमान। शब्द बिना सुरतांधरी कहो कहां को जाए, द्वार न भावे शब्द का फिर बटका था है। उसको सबने छुड़ा दिया, उस गुरु को। वो शब्द गुरु आप ही अपना रास्ता बताता है, आप ही आदमी का चोला पहनता है। वो कहता तेरा गुरु तेरे अंदर है, ऐसे चल अंदर, और कोई बताने वाला है ही नहीं। ईसा ने कहा द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड डॉट अमंगस्ट अस, कि वो शब्द दे तार के हमारे दरमियान में आकर रहा। गुणानुसार रूप क्या था? शब्द नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पर्स पर्स मिलायो। गुनान साहब के अंदर वो शब्द गुरु आया, आकर जीवों को चिताया, समझाया। जब चोला पुराना हुआ फेंक दिया, दूसरी बाडी तैयार की, उसके अंदर बैठ गया। जब तक कोई फकीर ऐसा ना मिले जिसके अंदर शब्द गुरु हो, रास्ता नहीं मिलता, सही रास्ता नहीं मिलता। इसलिए उसको आदमी का चोला पहनना पड़ता है, समझाने के लिए आना पड़ता है। फिर गुरु अमरदास के अंदर बैठ गया, फिर गुरु रामदास के अंदर बैठ गया, फिर गुरु साहब कहते हैं अब हमारे अंदर मेहर की, हमारे अंदर आ गया। उन्होंने गुरु साहब ने कहा एक जगह, जिन तुम भेजे इतनी ही बुलाए सुख सहती कराओ, कि जिसने तुम्हें भेजा है वो बुला रहा है, चलो अपने देश चलें, चलो अपने देश चलें। यही कबीर साहब ने कहा, क्या कबीर हम धुरके भेदी लाए हुक्म हजूरी, मालिक का हुक्म लेकर आया हूं, चलो। उनकी किसी ने ना मानी, दो पाई के साधु की, दो पाई के आदमी की मान लेता है, लेकिन पूर्ण तत्व किसी ने मानी, सब रोते चलाते गए हैं। दादू साहब कहते हैं, दादू कहत पुकारी कोई माने ना ही हमारी, पंडित काजी वेद कते दे पटपन मुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भजल धारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जील बेचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भजल पारी। कि कहता है मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, मैं कहता हूँ भाई तुम भी देखो, कहता बिल्कुल सुनता ही नहीं। उसी को गुरु गोविंद सिंह ने कहा है नूर जहूर खुदा का है, उसी को गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जागत जोत जपे निश्वासिर एक बिना मन नायक नाने, वो जागती जोत वो नूर जहूर सबके अंदर है, उसके सिवा किसी को ना माने। संतों ने उसको देखा कि तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन अंदर कोई ना गया। हाँ उनकी किसी ने ना मानी, बस खत्म कर। हाँ बोल भाई। अगर नहीं मानी तो तभी धक्के खा रहे हैं सब, 84 में हम फिर रहे हैं। हाँ ओ हो हो हो, जप ले अपने सतगुरु का नाम, सोचो तो सही, जप ले अपने सतगुरु का नाम। यही गुरान साहब ने कहा है, सिमर 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 गुर अपना, सोया मांजा गाई अपना, अपने तो सब छोड़े बैठे हैं। मसाही ने फरमाया दीवारों पे लिखा, दीवारों पे क्या, कि तेरा गुरु तेरे अंदर है, मौत भी अंदर, गुरु भी अंदर,
सोच लो जमदूत भी अंदर मौत से छिड़ाने वाला गुरु भी अंदर। हाँ हाँ जी जब बलोचिस्तान से आया तो नौ गुरु किए किसी ने अंदर वाला गुरु जो मौत से छुड़ाने वाला है मैं बताया। फिर शाम शाह परम संत या कामिल फकीर के पास 22 या 23 साल की उम्र थी पहुंचे और अर्ज की कि हमने अपना मौत से छुड़ाने वाला गुरु लेना है। महाराज जी ने फरमाया कि वो तेरा गुरु तेरे अंदर है, जो कोई अपने अंदर वाले राम गुरु को खुश करे वही इस दुनिया में आनंद लूटे। इस जहान में तो अंधेर हो रहा है कि बाहर वाले गुरुओं ने अंदर वाले गुरु को बिल्कुल छुड़ा दिया है, उसके साथ लगने नहीं देते। बस आप सुनो, ये पलटू साहब का है। सुनो, वो गुरु जिन फकीरों ने देखा है वो हमें आसान से आसान तरीका बताते हैं। ना वहां घर बार छोड़ने की जरूरत था, ना बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत था, ना काम काज छोड़ने की जरूरत था, ना जपों तपों की जरूरत है। सख्त मेहनत की होती है लेकिन ठीक हो सोच लो, ना प्राणायाम की जरूरत है, ना मूर्ति पूजा की जरूरत है। क्या है उन्हें आसान से आसान तरीका, क्या सिमरन का, सिमरन का, सिमरन करने का। हर एक शख्स को आदत है सिमरन करने की। हम अपने घरों वालों का सिमरन करते हैं, दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है, जिम्मेदार अपने काम काज का सिमरन करता है, तभी काम चलता है। सोच लो, सिमरन करते करते जिस काम में उसका रूप बना पड़ा है, दुकानदार दुकान का रूप बड़ा बना पड़ा है, जिम्मेदार खेती का रूप बना पड़ा है, इसी तरह अगर सिमरन मालिक का करे ठीक तो ये मालिक का रूप बन जाए। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। हा? वो गुरु इसके अंदर तब प्रकट होता है। सुनो क्या लिखते हैं, ओ अब सतगुरु से ध्यान लगाए नीचे नी सकलताज। सकल तज गुरु से ध्यान लगे हो, ये पलटू साहब का वचन है। सुनो, ये बातें तो छुपा ही छोड़ी हैं लोगों ने, झूठे गुरुओं ने। हाँ, फिर उनका पेट का काम नहीं चलता। हाँ, सकल तज गुरु से ध्यान लगे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछो ना मूर्त चित लय हो, जो प्यारा मोरे घट में वक्त है वही को मात नवै हो। जो प्यारा मेरे घट में बसत है वही को मात नवै हो। हा? बोलो, अगर मत्था टेकने के लायक है तो वो है। सोच लो, हम किसको मत्था टेका। सोच लो, पहले तो वो हंकार में भर गया, अभी मैं कुछ बन गया। ये अपने इस गुरु से गया, ये अपने गुरु से गया। सोचो, रामचंद्र ने परशुराम को मत्था टेका ना जाकर, क्या हुआ उसका नतीजा, कुल्हाड़ा गिर गया उसका नीचे। सोच लो तेरी ताकत गई ना, जो सारा में मत्था टेकवाते हैं उनका क्या हाल, बोलो उनके अंदर क्या भक्ति रही। हाँ हाँ जी, ना काशी में करवत लय हो, ना पंचकोश में जय हो, प्राग जाए तीर्थ नाहे करे हो, जगर में शीश कटे हो, अजप्पा और अनाहु साधो, त्रिकुटी ध्यान लय हो,
पद्म आसन खींचने बैठो अनहद नाए बजे हो सभी जाप छोड़ के साधो गुरु का सिमरन गुरु का सिमरन हाँ बोलो भाई आसान से आसान तरीका बोलो हाँ हाँ गुरु मूरत हृदय में छाई वाही से ध्यान लगा हो दुई खुदी हस्ती जब मेटे निरंकार कहला हो बस मर्तों को देखो सब रोते चिल्लाते जाते हैं देख लो सब रोते चिल्लाते जाते हैं लेकिन कामिल फकीरों को चिताए हुए जो सिमरन करते हैं अंदर सदगुरु को खुश करना चाहते हैं उसकी मेहनत करते हैं वो खुशी खुशी जाएंगे कह कर जाएंगे कह कर जाते हैं मर जब मर जाता है आदमी तो उसका जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ जाता है ना काला हो जाता है लेकिन जो कमल संतों का चिताया हुआ है जब उसकी मौत आएगी एक तो खुशी खुशी जाएगा उसका जिस्म भी कभी नहीं अकड़ेगा उसका चेहरे पर पहले से ज्यादा नूर आ जाएगा ये निशानी है उसकी ये निशानी देकर जाता है खुशी खुशी जाता है हाँ मात गर्भ में धातु बंदे कौल गुरु से कीना मात गर्भ में धातु बंदे कौल गुरु से कीना हरदम नाम जपूंगा तेरा के तेरे आदी आपके यहाँ कई मेंबर खड़े होंगे ना चुनाव में होते हैं ना डर डर फिरते हैं हाथ बांधते भी वोटर जब बन जाते कोई किसी को पूछता है सोच लो हंकार में हो जाते हैं ना बस इसी तरह इसने किया है उस वक्त तो पुकारता था कि माल का मेहर कर इस जेल से निकाल माँ के पेट से निकाल बारह मान में भर गया याद ही नहीं मालिक भुला ही दिया सोच लो
बुला ही दिया मालिक। हाँ मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू आया कबीरा कथ गए भगत कवि मानस देही पागल बंदे इस जग में तू आया मानस देही पागल बंदे इस जग में तू आया हस कर तूने गुरु का नाम बुलाते हाथ कठूना आया कहते हैं सब देव पुराण कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभिमान फिर बोलो ओ जप ले अपने सतगुरु का नाम कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभिमान बंदे क्यों करता है अभिमान पाकर बंदे इस जग में तू आया मानस देवी पाकर बंदे इस जग में तू आया वो ममता में फंस कर तूने गुरु का नाम बुलाया ते हाथ कछू ना आया जुगों के जुग बीत चुके हैं हम 84 में धक्के खाते हैं पता नहीं कितनी पल्ले महापल्ले हो चुकी कितने सतयुग बीत चुके कितने त्रेते बीत चुके कितने द्वापर बीत चुके कितने कलयुग बीत चुके हमारी खुलासी नहीं हुई छुटकारा नहीं हुआ अगर छुटकारा होता तो हम यहां ना बैठे होते क्यों क्यों अभी इसने बोला था माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कथ गए दास कबीर ये आशा तृष्णा लिए फिर रही है ये आशा तृष्णा लिए फिर रही है किसी के काम पूरे नहीं हुए अगर एक होता है दूसरा नया खड़ा हो जाता है ये करूं वो अभी खत्म नहीं होता तीसरा और खड़ा हो जाता है उसका ख्याल पड़ जाता है ये ख्याल ही है जो इसको 84 में लिए फिर रहा है ये ख्याल ही है जो 84 में लिए फिर रहा है सोच लो इसको देह का प्यार है देह से मोहब्बत है मरने के करीब होगा खाट पे पड़ा होगा बीमार होगा रोटी नहीं कोई देता फिर भी कहता है मरू ना इस जिस्म ना छोड़ू सोच लो फिर भी कहते हैं जिस्म में छोड़ू इस जिस्म का प्यार इसको किसी जिस्म में लाता उसकी आसत कृष्णा ये है आगे
जैसा ख्याल है वैसी इसको जूनी मिलेगी। अगर माया का ख्याल है, अगर माया का ख्याल है तो फिर क्या सांप की जूनी मिलेगी। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जून बलबल उतरे। दे का प्यार दे मिलाया, माया का ख्याल था तो सांप बनकर बैठे माया पे। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सुकर जून बलबल उतरे। अगर बाल बच्चों का ख्याल है, दे का प्यार दे मिलाया, सूर की जूनी मिले, उसके पीछे बच्चे बच्चे फिर रहे हैं। सोच लो, फकीरों ने तजर्बे करके लिखे हैं। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, मकानों का ख्याल रह गया इसके अंदर, ये बनाना था, ये बनाना था, लड़के का फलां का ये। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जून बलवल उतरे, प्रेत बनकर बैठेगा। ये ऐसा तृष्णा लिए फिर रही यार कोई नहीं। अगर कोई छुटकारे का वक्त है 84 लाख दिया जून में, तो ये आदमी की जूनी है। कोई अच्छी कोई भक्ति की, अच्छे कर्म किए, तब जाके आदमी की जूनी मिलती है। इसको देवी देवते इसके लिए तरस रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं, मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देव मनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भसागर करें। वो तरसते हैं क्यों, अगर छुटकारे का टाइम है तो यही है, बाकी कोई नहीं है। इसी जन्म में छुटकारा हो सकता है, इसी जन्म जन्म के बंधन छूट सकते, बाकी किसी में नहीं। ये मुश्किल से मिला है, अच्छे कर्मों से मिला है, इसने तरक्की करनी थी, ये चांस मिला है, मालिक ने दिया है। लेकिन तरक्की की बजाय इसने क्या किया, विषय कर्म फंस कर, असत विषय फंस कर, ये भी जो अच्छे कर्म किए थे वो भी बर्बाद कर गया, वो भी बर्बाद कर गया। तरक्की करनी थी वो भी बर्बाद कर गया, जो कमाई की थी। हाँ, किसी में शाबों ख्वाबों में, किसी ने बाल बच्चों में, किसी ने जमीन जायदादों में, किसी ने देशों के झगड़ों में, किसी ने कौमों के झगड़ों में, ऐसे खत्म कर गया। जो काम था अंदर सदगुरु को प्रगट करने वो किया ही ना, सोच लो। हाँ फिर बोलो। हाँ लीन
जाति के अभिमान में डूबे चतुर कमी ममता ने भज कर तूने सुंदर कारा देख के पगले भूला नहीं समाए तू एक दिन माटी में मिल जाए आख इसकी ढेरी जान कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभी ज्ञान जी ने बोला था नीच नीच सब तर गए संत चरण लिवलीन जाति के अभिमान में डूबे बहुत कलीन। कबीर साहब कहते हैं भला हुआ घर जम्या नीच दे सबको किया सलाम जे घर जमदा उछरे कभी ना मिलता राम। हंकार फंस जाता है मैं ब्राह्मण हूँ मैं खत्री हूँ मैं खालसा हूँ मैं फलाना हूँ मैं राधा स्वामी हूँ मैं फलाना हूँ। सोच लो कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने बाहर जाता भीतर आने पंचों बस कर झूठ न बाखे दया जिने हृदय में राखे आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे परमात्मा का ध्यान लगावे काम क्रोध मद लोभ न होई चरणदास का ब्राह्मण सोई उसका नाम ब्राह्मण है। राधा स्वामी वो है जिसने राधा स्वरूप को स्वामी शब्द में मिला दिया। नामधारी वो है जिसने शब्द गुरु को सच्चे नाम को प्रकट कर लिया वो नामधारी है। सनातनी वो है जिसने सत ताकत को देख लिया। कबीर साहब कहते अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ जिंदा भरा क्या इस देह से निकले हैं सत ताकत की धार आ रही है वो शब्द की वो नाम की उसको पकड़ा तब ये सनातनी है। आर्य का मतलब क्या है श्रेष्ठ पाक आत्मा तब पाक होती है इसके अंदर कुदरती तौर पर शब्द का तीर्थ है नाम का तीर्थ है अड़सठ तीर्थ है नाम है किल्वे कटनारा जो आत्मा को साफ करता है अड़सठ तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए चरणदास क्यों कहता उल्टा हुए घटाए इसके अंदर आए यहाँ तीर्थ है वहां आत्मा साफ हो तब ये श्रेष्ठ हो तब ये आर्य बने। बोलो खालसा वो है जिसके अंदर वो ज्योत जग गई जिसने ज्योत को प्रकट कर लिया वो खालसा है पूर्ण ज्योत जगह कट में तब खालसा था खालस जाने अगर बन गया तो सब कुछ है वैसे तो अहंकार में फंसा पड़ा बस सोच लो नहीं तो अहंकार में है ये काम करना था आकर इसने नहीं तो अगर ये काम ना किया सोच लो अगर ये काम ना किया तो ये फूल है ना बूटे पे कैसा खूबसूरत था अब कैसा है अब तो स्टेज पे पड़ा है कल को पांव में होगा इसी तरह इसका हाल है। ये जब जिस्म चला जाए फिर क्या बनना है सोच लो। हम एक जगह गए वहां एक जानवर का कर्म पड़ा था कर्म जानते हो ना जानवर मरा पड़ा था उस पर हड्डियां हड्डियां थी थोड़ा थोड़ा खून था कुत्ते उसको चाट रहे थे हम वहां खड़ गए उन्होंने कहा देखो भाई कल यही जानवर हरा घास खाकर दूसरे जानवरों के साथ इस तरह से सिंह में सिंह मिलाता होगा लड़ता होगा बोलो ठीक है नहीं आज कर्म टूटा टूटे इंजन की तरह पड़ा है इसी तरह इंसान का हाल है कल को अब तो मस्ती में है फिर किसी ने नहीं पूछना सोच लो। हाँ हर दम याद गुरु को राखो मत दिल से विसराओ हर दम याद गुरु को राखो मत दिल से बोलो ही वही
हाड़ चांद, हाड़ मास की, हाड़ मास की देनी बनी है क्यों मन में घर वाले शहरों में जैसे दिल्ली है बादशाहों की कब्रें पड़ी हैं। सुनो भाई कीमती बात है, वो बादशाह जिनके पास एक चिड़ी भी फट नहीं सकती थी, पैरों पे पैरा था, आज उनकी कब्रों पे कुत्ते चिट्टी कर रहे हैं। बोलो सोच लो, लेकिन जिन्होंने भक्ति की थोड़ी भी की उनकी जगह मत्थे टेक रहे हैं। सोच लो, रविदास कहता जात भी अच्छी कर्म भी अच्छा, अच्छा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच किया है कह रविदास तुम्हारा। सोच लो खाते तुम्हार कहता दरगाह में भी ऊंचा हूं। सोच लो उसका दरगाह में भी नाम है, बाकी जो है उधर तो कब्रों पे भी चट्टी कर रहे हैं, अगर जो जूते उनके पड़ते हैं वो ही फकीर देखते जो अंदर जाते हैं। हाँ कैसे नरकों में सड़ते हैं वो। हाँ जी धन धन राजा जन का है जिन सिमरन किया बबे, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे आदेश। ऐसा सिमरन जान के सत्ता पकड़ी ते, नानक सिमरन सार है बिसरो घड़ी न दे। वो यही नहीं कि दरगाह में अपना नाम ऊंचा कर गए, बल्कि हजारों जीवों को साथ ले गए, हजारों जीवों को बंधनों से निकाल गए, हजारों जीवों की मुक्ति कर करा गए। राजा जनक जा रहे थे अपने परम धाम को, तो रास्ते में नरकों के पास से गुजरे, कीमती बात है, वहां जीव पुकार रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, नरकों में सड़ रहे थे, उनकी पुकार सुनकर वहां खड़ गए, पहरेदारों को बुलाया, क्यों भाई इनको क्यों तकलीफ देते हो, इनको छोड़ो। वो धर्मराय के पास गए, धर्मराय आया कि इनकी खुलासी तो हो सकती है पर कुछ देकर हो सकती है। वहां उन्होंने क्या किया, ढाई घड़ी का सिमरन किया, उनको बचा लिया। बोलो ये उपकार है उनका, ये उपकार है जो भक्ति करता है। बच्चों ने बड़ा उपकार
सतगुरु को तो क्या प्रकट करना था इसे तो इतना भी नहीं कि उसके गुण भी गाए। सोचो ये किसने बनाया ना, उसको कहें देखो भाई इसने बड़ा अच्छा बनाया। कोई चढ़े ना तारों पे, उसके गुण गाते हैं, देखो भाई तारों पे चढ़ गया। सोच लो तारों पे चढ़ा, चांद पे चढ़ा, अगर उसमें से मालिक निकल जाता तो कैसे चढ़ता बोलो भाई। अगर मालिक निकल जाता तो कैसे चढ़ता बोलो। इसके किसी ने गुण गाए कि अंदर बैठा कैसे फूल फूल बनाता है, कैसे कटिंग करता है, कैसे हरा रंग लिया है, इसके इतना भी नहीं किया इसने। आप सीढ़ी रखते हैं ना खेती में, सीढ़ी रखते हैं ना, कहते हैं इसको भाई दो से दो मन ज्यादा दाने दो कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। उसके गुण गाए, उसके गुणगाए, उसने क्या काम किया, क्या काम किया उसने, पानी दिया, बीजा, गोड्डी की, काटा, दाने निकाले, जिसने दाने बनाए उसका गुणगाया बोलो भाई। उसके लिए क्या किया इसने, सोचो जिसने दाने बनाए उसके लिए क्या किया, अगर ना बनाता तो बोलो। उसके तो बोलना ना कहा किसी ने, हाँ इतना भी नहीं किया किसी ने। हाँ जी ओ चपले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। बोल उठत बैठे, वो बैठ उठे फिर बोल ना जैसे वो है, बाकी क्या थी कहानी पौनी है, कोई शब्द पूरा करना। हाँ कोई नहीं।
हाँ जी सब समझे चोरी सिखाने का बदमाशी के सिखाने का तो यार स्कूल हाँ? सोच लो स्कूलों में जो पढ़ाई कराते हैं वो तो कोई पढ़ता नहीं बीड़िया बदमाशी सब सीख गए बोलो भाई हाँ? बगैर पढ़ाए जो पढ़ाते वो सीखता कोई नहीं बोलो हाँ? काल में ऐसा देख लो अंदर स्कूल बना दिया इसका भर्ती तो क्या करनी थी वैसे नहीं पढ़ते हैं हाँ हाँ जी चोरी बेईमानी बदमाशी के खुले नहीं पकता चोरी बेईमानी बदमाशी के खुले नहीं पकता मुल्क ना खुले नहीं पकता बिना पढ़ाए आपे पढ़ो कितने थे कर्मों के आगे बाबा कोई
धर्मों के आगे बावड़ा कोई ना बांधे पाल, मुल्क में कोई ना बांधे पाल। माँ पिता तेरी आसुत नारी जिनकी नहीं आती आगे धार, विपत में तेरो कोई ना धनी। अब तो चिंता मन कर भैया चाल, बल्की में जो कुछ बनी तो बनी। अब तो चिंता मन कर भैया चाल, बल्की में जो कुछ बनी तो बनी। फिर बोलो तेरे कर्मों के आगे बावड़ा कोई ना बांधे पाल, तेरे कर्मों के आगे बावड़ा कोई ना बांधे पाल, मुल्क ना कोई ना बांधे पाल। मात पिता तेरी आस बनारी जिनकी ना हड्डी आगे ढाल, विपत में तेरो कोई ना धनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बड़ी तो बड़ी। कमाई का अंत समय असर जद मैं लड़ाई विच गया, एक दरोगा कमस्त रेट उसने जानवरां दे राशन विचों कोई लख रुपया लिया। जद मौत आई तो कहिंदा है कि ए गाय सिंह मारदी है, ओ गाय सिंह मारदी है। इसी तरह एक होर शख्स का जिक्र है, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਜਮਦੂਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਥਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, जब उसकी मौत आई बहुत बुरा हाल हुआ। किसी प्रेमी ने उससे पूछा, उसका दोस्त था, कहने लगा भाई ऐसी क्यों हालत हुई? कहने लगा भी कर्मों का नतीजा है। क्या? कि हमारे घर के किसी बच्चे का पेशाब का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, सब बोतलों में गया है, सब बोतलों में गया है। देख लो फिर जो बुरा हाल हुआ है, पहले तो शराब ही बुरी है, फिर शराब की बजाय क्या गया? पेशाब। बोलो, जैसे कर्म करता है उसको भोगने पड़ते हैं। अब तो मस्ती में है, खूब अंडे मांस खाता है, इसको पता नहीं इसका नतीजा क्या है। रामचंद्र ने बाली को मारा, सोचो कीमती बात है, त्रिलोकी का मालिक था। उसी बाली ने भील का रूप धार कर कृष्ण को मारा, बदला देना पड़ा ना, सब देना पड़ता है, सब देना पड़ता है। अब तो मस्ती में है, बस छुटकारे वाला एक सतगुरु अंदर कोई नहीं। वो लो जिनके लिए कमाया, सोच लो जिनके लिए चोरियां ठगियां की, कौन कौन उसका काम आता है, कौन सहाय है उस वक्त? बोलो जो सहाय है सतगुरु, उसको तो किसी ने खुशी ना किया। बोलो हाँ क्यों, एक ही बात इधर निकले। अच्छा हाँ, सजने की कहानी आती है कि बादशाह ने उसको उससे मांस मंगवाया। ग्यारस का दिन था, ग्यारस को मांस नहीं बिकता, हाँ खाते नहीं लोग। अब बादशाह ने मंगा लिया, उसने सोचा अगर बकरे को सारे को कत्ल किया तो सारा मांस खराब हो जाएगा, एक टुकड़ा काट लेता। जब उसने टुकड़ा काटा तो बकरा हंस पड़ा। उसने कहा ये क्या बात भाई,
कहने लगा इतना साथ तुम्हारा देना था, इतना साथ देना था, वो पूरा हो गया। अब अगर और काटेगा नया हिसाब पड़ जाएगा, फिर मैं काटूंगा। ये देना पड़ता है। विशाल ने क्या है, मछली पाती खात है ताकि काड़ी खा, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। सोच लो, कहता है बकरी पत्ते ही खाती है ना, उसका क्या हाल होता है, जो बकरी को खाता है उसका क्या हाल होगा। हम एक दफा रानिया से सरसे को जा रहे थे, रास्ते में उट्टू का पुल है नाली पे, वहां पर मच्छी पकड़ रहे थे, मच्छी पुल पर जाकर मसानी ने फरमाया कि भाई जीप खड़ी करो। जीप खड़ी हो गई, हम सब उतर गए। एक मच्छी ने कुंडी को खंचा, जब खंचा तो वहां कोई 3 फुट लंबी मछली उसके साथ आई और उसका मुंह इतना फट गया। अब मच्छी ने क्या किया, उसको पकड़ के उसके नाक में रस्सी डाली, वो ऐसे तक रही है, और उसको पानी में रख दिया। और भी मच्छियां बहुत थी वहां पकड़ी हुई, क्यों कि अगर बाहर रखेगा तो मर जाएगी, बदबू कर जाएगी, एक आधे दिन में पानी में ऐसे तकती रहेंगी। इकट्ठी ट्रक भरकर वो दिल्ली ले जाते। अब उसको किसने तड़फाया, बोलो सोचो, मछली को जो तड़फाया किसने तड़फाया, जीत के स्वाद ने। सोच लो, जीत के स्वाद ने ये क्यों खाता है, जीत के स्वाद के लिए तो ये नहीं तड़फेगा। उसको तो एक विषय है, इसको 5 लगे पड़े हैं। उसको तो एक विषय है, इसको 5 लगे पड़े हैं। सोच लो, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, 1 2 विनाश, 5 2 असाध जामे ताकि के तकास, इसको तो 5 लगे पड़े हैं। इसका क्या हाल, जितना लस्तर लेता है उतने दुख उठाता है। बहुत स्वादों दुख प्राप्त हो गए, भोगे रोग संत हो गए। गुरान साहब ने यहां तक लिखा है, एक निम्न स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए, एक निमक की लज्जत कोट दिवस क्या 30,000 साल बन जाते हैं तकरीबन, कोट दिवस इतना दुख उठाना पड़ता है इसको। बोलो अब तो मस्ती में सब, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, पूर्ण ताकतों के वचन हैं, जैसे बड़े बड़े जज्जों के फैसले हैं, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं लिखे हुए, पढ़ते हैं पर ख्याल कोई नहीं। I'm
तू गई गई ने जाके बाबा आके काका गई गई ने जाके बाबा कर आके काका मुल्क नार कर आके काका कहते कबीर सुनो भाई सादो दासो को ममता वाली जाल गीता तो भैया बाती घड़ी अब तो सोच समझ कर भैया चाल गलती में जो कुछ बनी तो बनी अब तो सोच समझ कर भैया चाल गलती में जो कुछ बनी तो बनी गुटी अरे